मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट चेन मनी। चेन मनी, सी एल ए डबल एस, क्लास क्लासेस वर्ग, क्लास टू, सब्जेक्ट एस यू बी जे ई सी टी, सब्जेक्ट सब्जेक्ट इन विषय। सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? मैथमेटिक्स, एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में गणित। चेंज मनी यानी रुपये को पैसे में बदलना और पैसे को रुपये में बदलना आज सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट सी ओ एन वी ई आर टी, कन्वर्ट इंटू, कन्वर्ट इंटू पी ए आई एस ई, कन्वर्ट इंटू पैसे, कन्वर्ट इंटू पैसे यानी पैसे में बदलें, पैसे में बदलें, कन्वर्ट इंटू पैसे। या ये अभी लिख सकते हैं कि कन्वर्ट इंटू कन्वर्ट इंटू रुपीज टू पैसे, लेकिन इसमें यहाँ बस थोड़ा सा नहीं रुपीज लिखा हुआ रहेगा, कन्वर्ट इंटू पैसे तो रुपीज में लिखा हुआ रहेगा। जैसे ये में देखेंगे, वन रुपीज, इसको वन रुपीज को इस तरह से भी लिख सकते थे आप, वन आर यू पी डबल ई एस, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं वन रुपीज। सेम है स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं? वन रुपीज इंटू पैसे में चेंज करना है तो फॉर्मूला होता है वन रुपीज इक्वल टू हंड्रेड पैसे। तो ये तो फॉर्मूला पर ही है, ये जल्द बन जाएगा आपको इसको सॉल्यूशन में, ए सो एल यू टी आई ओ एन, सॉल्यूशन मीन्स हल। सॉल्यूशन में देखेंगे वन रुपीज है, वन रुपीज है तो वन रुपीज लिख दिए। वन रुपीज इक्वल टू कितना पैसे होता है स्टूडेंट्स बतलाएंगे? वेरी गुड, थैंक यू, हंड्रेड पैसे। वन रुपीज को चेंज करना है तो वन रुपीज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपको, वन रुपीज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हंड्रेड पैसे। वन रुपीज इक्वल टू हंड्रेड पैसे। पैसे को पी से भी डिनोट्स करते हैं, पैसे को पी से भी डिनोट्स करते हैं, क्लियर? तो वन रुपीज इक्वल टू हंड्रेड पैसे। तो ये तो क्लियर मिल गया कि कितने पैसे आ गए आपको आंसर, हंड्रेड पैसे। तो ये हंड्रेड पैसे आंसर हो गया, पैसे को पी से भी डिनोट करते हैं, क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे, बी नंबर। आपको टू रुपीज इस तरह से भी लिख सकते हैं, यह भी सही है, आर यू पी डबल ई एस, टू रुपीज, क्लियर? तो टू रुपीज को हम कैसे चेंज करेंगे पैसे में, कन्वर्ट इन टू पैसे है यानी कन्वर्ट मतलब बदलना, लिख लेंगे सी ओ एन वी ई आर टी, कन्वर्ट या चेंज मतलब ही बदलना था, बदलना, कन्वर्ट इन बदलना, चेंज मतलब ही बदलना होता है। चेंज भी लिख सकते थे कन्वर्ट के जगह, सी एच ए एन जी ई, चेंज मतलब बदलना, चेंज इन बदल, क्लियर? समझ में आ जाएगा, इन टू मतलब पहले हुआ। चलो टू रुपीज ध्यान देंगे, एकदम नीचे से है,
वन को भी देखे जो कि ये फॉर्मूला पर ही आधारित था कि वन रुपीज में कितने पैसे होते हैं स्टूडेंट, तो 100 पैसे। क्लियर। तो 2 रुपीज में कितने होंगे, कैसे बनाएंगे इसको, तो आपको ये फॉर्मूला समझिए कि है इसको याद रखना होगा कि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। एक चीज और ध्यान देंगे इसमें, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 1 से जैसे ही अधिक होगा तो उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा हमेशा 1 से अधिक का ज्ञात करना हो आपको तो हमेशा क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई। वेरी गुड, थैंक यू। तो 1 से अधिक जैसे ही 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैसे ही बढ़ता जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू। हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से जैसे ही अधिक होता है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हाँ 1 का जब ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, ऑलवेज डिवाइड। 1 का जब ज्ञात करना हो, 1 का फाइंड करना हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड। वेरी गुड, थैंक यू। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 2 है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 रुपीज के लिए, क्योंकि 1 रुपीज के लिए 100 पैसे है, तो 2 रुपीज के लिए तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 100 पैसे। तो कितना हो गया स्टूडेंट, 200 पैसे। क्लियर, आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया सभी लोग को, कोई दिक्कत। सी नंबर, 3 रुपीज है, बनाइए। बन गया, क्लियर। कितने लोग बनाए, हाथ उठाएं। वेरी गुड, थैंक यू। समझेंगे, एस ओ एल यू टी आई ओ एन, सोल्यूशन। सोल्यूशन मीन्स हल। तो 3 रुपीज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई फॉर्मूला, 1 रुपीज का लगाएंगे तो 1 रुपीज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट, वेरी गुड, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। तो यहाँ कितना रुपीज है, 3 रुपीज, तो 3 रुपीज लिख दिए, 3 रुपीज, 3 रुपीज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, वेरी गुड, 3 मल्टीप्लाई 100 पैसे। तो क्या करेंगे, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या ऐसे देखेंगे, ध्यान देंगे, 100 में 3 से करेंगे, 3 में 0 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। एक चीज और ध्यान देंगे, किसी भी डिजिट से 0 to 9 टोटल जो डिजिट हैं उसमें किसी भी डिजिट से यदि 0 से मल्टीप्लाई करना हो तो हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। 0 से किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट, 0 आएगा। 3 में 0 से 0, 3 बन जा 3, तो क्या है आपको, 300 पैसे।
300 पैसे। ठीक है, चलो समझ में आ गया, आया है? कितने लोग को मिला है आंसर? अच्छा, ये वेरी गुड, थैंक यू। देखेंगे डी नंबर। अब समझ गए कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितना भी रहेगा क्या करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कहने का मतलब आप क्या सीख लिए कि जब पैसे में चेंज करना हो, तो क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई। जब पैसे में चेंज करना हो तो रुपीज दिया हुआ हो तो, और पैसे में चेंज करना हो तो हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखेंगे 25 रुपीज बनाइए। आई होप यू विल बी सॉल्व द क्वेश्चन। SOLUTION सोल्यूशन मींस सर, तो इसमें 25 रुपीज है, तो 25 रुपीज है तो पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 25 रुपीज लिखेंगे, RUPEE। तो 1 रुपीज इक्वल टू कितना होता है? पहले इसी को लिखना होगा आपको। तो 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपीज इक्वल टू क्या होगा? 100 पैसे। 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। तो 25 रुपीज है, तो 25 रुपीज है तो क्या करेंगे? 25 रुपीज लिख दिए। हम क्या करेंगे इसमें? मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? तो 100 से। तो 25 मल्टीप्लाई 100 पैसे। क्लियर? 100 से 25 में मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या आएगा? 5 में 0 से करेंगे स्टूडेंट मल्टीप्लाई तो क्या होगा? 0। 5 में 0 से 0, 5 में 0 से 0, 5 1 जा 5, 2 में 0 से 0, 2 में 0 से 0, 2 1 जा 2। यानी आप 0 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0। यानी क्या आएगा? 0 ही हमेशा आएंगे। 0 से किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा क्या आएगा? 0। तो 0 0 5 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 2500 पैसे। क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट? वेरी गुड। एक और देखेंगे ई नंबर 50 रुपीज चेंज कीजिए पैसे में, बनाइए। बना लिए? क्लियर? देखेंगे, समझेंगे स्टूडेंट? सभी लोग बना लिए? हाँ, बताइए कितने लोग बना लिए? वेरी गुड, थैंक यू। समझेंगे यहां सोल्यूशन, SOLUTION सोल्यूशन। 50 रुपीज है यहाँ, तो क्या लिख दिए? 50 रुपीज है लिख दिए यहाँ, कोई दिक्कत? 50 रुपीज है तो क्या करेंगे स्टूडेंट? 50 रुपीज तो आपको पहले लिखना होगा फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखना होगा। 1 रुपीज इक्वल टू क्या होंगे? 1 रुपीज इक्वल टू क्या होंगे? 100 पैसे। 100 पैसे 1 रुपीज यहां भी लिख सकते हैं, 1 रुपीज
बिकॉज 1 rupee इक्वल टू 100 paise छूट गया। 1 rupee इक्वल टू 100%, तो 25 rupees को क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 2500 rupees आ जाएगा। क्लियर। वैसे ही आपको 50 rupees है पैसे में चेंज करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, 100 करेंगे, यहां लिखेंगे 50 rupees, 50 rupees इक्वल टू, तो 50 multiply 100 पैसे। अब यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 100 multiply 50, जीरो से जीरो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट, वेरी गुड, जीरो क्या आएगा, जीरो। जीरो से जीरो में करेंगे क्या आएगा, जीरो। जीरो से वन में करेंगे तो जीरो, यानी जीरो से किसी भी डिजिट में हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो आपको क्या आता है, जीरो आता है। फाइव में जीरो से जीरो, फाइव में जीरो से जीरो, फाइव वन जा फाइव, जीरो 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 फाइव, कितना आ जाएगा 5000 पैसे। क्लियर। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए देखेंगे हमारी। क्वेश्चन नंबर टू, CONVERT convert into rupees, RUPEES rupees, convert into rupees, A ₹100 पैसे को P भी डिनोट कर सकते हैं, ए नंबर है, चलिए समझेंगे इसको। SOLUTION सोल्यूशन, तो अभी आपने पढ़ा कि 1 rupee = 100 paise, 1 rupee = 100 paise, तो यहां 100 paise उल्टा कर देंगे इसी को, 100 paise = 1 rupee, या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आपने अभी पढ़ा कि 1 rupee = 100 paise, क्लियर, इसी को हम इधर से लिख दिए 100 paise = 1 rupee, क्लियर स्टूडेंट, समझ आ गए, देखेंगे तो 100 paise = 1 rupee है, तो 100 paise देखेंगे इधर, इसको समझेंगे 100 paise, तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला में ही है, तो क्या हो गया आंसर 1 rupee, क्या हो गया स्टूडेंट 1 rupee, यह आपको आंसर हो जाएगा। अब देखें बी नंबर, अब समझने के लिए रहेगा, 200 paise सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला से ही मिल गया आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला है याद रखना पड़ेगा, 100 paise = 1 rupee, 100 paise = 1 rupee और 1 rupee = 100 paise, ये दोनों फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे। तो 200 paise इक्वल टू व्हाट रुपीज, यही ना सॉल्यूशन में बनाएंगे, सॉल्यूशन हल करेंगे, आपको ऑलवेज राइट फॉर्मूला देन सॉल्व क्वेश्चन, हमेशा फॉर्मूला पहले लिखेंगे, लिखते लिखते आपको स्मरण हो जाएगा, याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, लिखते लिखते ही याद, इस तरह से याद होगा कि कभी दिमाग से हटेगा। तो 100 paise
हंड्रेड पैसे इक्वल टू वन रुपीज, हंड्रेड पैसे इक्वल टू वन रुपीज। तो यहाँ अब आपको 200 पैसे है तो 200 पैसे लिखे, 200 पैसे, तो 200 पैसे इक्वल टू क्या होगा, दिक्कत हो रहा है समझने में, क्या करें, उसमें मल्टीप्लाई किए थे, इसमें क्या करेंगे, देखिए समझते हैं थोड़ा सा, पहले सब लिखेंगे, देखेंगे 100 पैसे इक्वल टू वन रुपीज, देयरफोर ये यूनिटरी मेथड है, एकाएक नियम हिंदी में बोलते हैं, 100 पैसे इक्वल टू वन रुपीज स्टूडेंट, 100 पैसे इक्वल टू वन रुपीज, 100 पैसे इक्वल टू वन रुपीज, तो देयरफोर वन पैसे इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, तो वन अपॉन 100 रुपीज। समझ आए स्टूडेंट्स, अभी आपको बताए थे इसी क्लास में शुरू में ही कि एक से अधिक होगा, एक से अधिक रहने पर, एक से अधिक होने पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा क्या करते हैं मल्टीप्लाई, वन से टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, आपको बढ़ा था जैसे मल्टीप्लाई ही करते गए, लेकिन जब वन का रहेगा ज्ञात करने के लिए तो हमेशा क्या करेंगे डिवाइड, बताए हैं वन का जब ज्ञात करने के लिए रहेगा तो हमेशा क्या करेंगे स्टूडेंट, वेरी गुड थैंक यू, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो वन पैसे इक्वल टू वन अपॉन हंड्रेड, वन अपॉन हंड्रेड, वन पैसे इक्वल टू वन अपॉन हंड्रेड, या वन अपॉन हंड्रेड रुपीज, वन अपॉन हंड्रेड रुपीज, तो ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे, यानी क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या है दिखा हुआ डिवाइड है, क्या है डिवाइड, तो वही करते हैं यहाँ, 200 पैसे इक्वल टू, 200 पैसे इक्वल टू पूछ रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 200 पैसे इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई 200, और रुपीज यहाँ लिखा हुआ है 1010 1010, 20 कट गया स्टूडेंट, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 रुपीज, आ गया आंसर 2 रुपीज, 200 में कितने पैसे होंगे स्टूडेंट, वेरी गुड 2 रुपीज, तो 200 पैसे एक यूनिटरी मेथड से देखें, अब 200 पैसे हैं तो इसको डिवाइड कितना से करेंगे स्टूडेंट, तो 100 से करेंगे, तो 200 पैसे है लिखा हुआ तो पैसे हटा देंगे, 200 अपॉन 100 से डिवाइड करेंगे और यहाँ लिख देंगे रुपीज, 1020 कैंसिल कट गया तो क्या आया 2 रुपीज, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। आप इस तरह से ही बना सकते हैं 100 से डिवाइड करके, या फिर यहाँ इस तरह से यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत, चलिए देखेंगे एक और तीन नंबर, 2 to 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ऐसे ही बना लेंगे स्टूडेंट, तो सी नंबर में देते हैं आपको 22 8 00 पैसे, 2800 पैसे, इसको बनाइए रुपये में चेंज कीजिए स्टूडेंट्स, बन गया देखेंगे, बनाइए ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एस और एल के पावर एन भी दे सकते हैं, क्लियर, तो 2800 पैसे है, तो अभी आपने क्या पढ़ा कि 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, ये फॉर्मूला हमेशा लागू करेंगे,
तो 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, तो यहां कितना है 2800 पैसे, 2800 पैसे, तो 2800 पैसे को क्या करेंगे हमेशा डिवाइड करेंगे, पैसा में दिया हो रहा है तो रुपीज बदलने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड, तो यहां क्या लिखेंगे यहां रुपीज आर यू पी डबल एस, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यानी 28 रुपीज, क्लियर, ध्यान देंगे। अब यहां फिर इसको एक और इसे भी देखेंगे, बिकॉज 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, देयरफॉर 1 को पहले ज्ञात करना पड़ेगा आपको, तो 1 पैसे इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 100 रुपीज, देयरफॉर 2800 पैसे इक्वल टू 1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2800, 10 कैंसिल, तो 28 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा स्टूडेंट, वेरी गुड 28 रुपीज। दोनों मेथड से यही आया, या तो इस विधि से बनाइए या एक यूनिट्री मेथड से बनाइए, दोनों से सेम ही आंसर आएंगे स्टूडेंट्स, तो आपसे बन जाएंगे स्टूडेंट ऐसे मैथ, कोई दिक्कत नहीं ना, एक देख लेंगे और डी नंबर, सी का कितने लोग का आंसर सही था, हम थैंक वेरी गुड थैंक यू, इसी तरह से बनाते रहेंगे समझ के, बिना समझे मैं अपनी बना सकते हैं, समझते रहना है पहले। डी नंबर है, ₹3500 रुपीज में चेंज करना है स्टूडेंट्स, बनाइए बन गया, देखेंगे स्टूडेंट समझेंगे कितने लोग बना लिए, वेरी गुड थैंक यू, समझेंगे इधर देखेंगे, टेक केयर ऑन द ब्लैक बोर्ड, सॉल्यूशन 3500 रुपीज है, आपको पहले 100 पैसे 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, 100 पैसे को पी भी लिख सकते हैं, 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, तो यहां क्या है 3500 पैसे, तो 3500 पैसे है स्टूडेंट, इसको रुपीज में चेंज कर देंगे तो क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 100 से, यहां लिख देंगे रुपीज रुपीज, क्लियर, 1010 कैंसिल, तो क्या है स्टूडेंट 35 रुपीज आंसर। सेकेंड मेथड एक और है स्टूडेंट, इससे भी बना सकते हैं, दोनों मेथड से बना सकते हैं या एक भी, इसको ही बनाएंगे तो सही रहे, क्लियर, नहीं तो आपको सेकेंड मेथड जो बना है यहां, सेकेंड मेथड इसके द्वारा भी बना सकते हैं आप, यूनिट्री मेथड है, बिकाउज 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, देयरफॉर अब कितना का ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, वेरी गुड 1 रुपीज, अच्छा 1 पैसे, 1 पैसे का ज्ञात करेंगे, 1 पैसे का करेंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट यहां क्या करेंगे, वेरी गुड डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहां 1 अपॉन 100 रुपीज हो जाएगा, देयरफॉर ज्ञात करना है कितना का 3500 पैसे, 3500 पैसे इक्वल टू, तो 1 अपॉन 100
मल्टीप्लाई 3500 पैसे, तो 0000 कट गया, पैसे अब हट गया, ये पैसे हट के रुपीज में चेंज हो जाता है, तभी डिवाइड यहाँ होता है, क्लियर। तो 00 कैंसिल दोनों हो गया, तो 35 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 35 रुपीज। दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है स्टूडेंट, जो पसंद आए उसको से बनाना है, बेहतर मेथड आपका यह है, क्लियर, बेटर है, सब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। एच डब्ल्यू में होना कहेंगे होमवर्क में। होमवर्क में गृह कार्य CONVERT कन्वर्ट इंटू RUPEES कन्वर्ट इंटू पैसे, पहले लिखें PAISE पैसे, ए नंबर ₹10, बी नंबर ₹35, सी नंबर ₹55, डी नंबर ₹60। सेकेंड क्वेश्चन नंबर है CONVERT कन्वर्ट इंटू रुपीज, ए नंबर ₹600, बी नंबर ₹1800, सी नंबर ₹2000, और डी नंबर है ₹4500। यानी कन्वर्ट इनटू पैसे, पैसे में चेंज करना है, रुपीज में दिया हुआ है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और कन्वर्ट इनटू रुपीज, तो 600 पैसे है, तो क्या करेंगे इसे पैसे वाले में, सब में 100 से डिवाइड करेंगे, आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत है स्टूडेंट, समझ में आ गए, समझ में सही आ गए नहीं आए, आ गए ना, क्लियर, ओके, थैंक यू।